और चलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम भी आपको बता दें। सीएमआर से सुबह 10:30 पर जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 10:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और साथ ही 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत होगा और 11:10 पर जयपुर एयरपोर्ट से एमएनआईटी के लिए प्रस्थान करेंगे। 11:20 पर एमएनआईटी पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। साथ ही 11:20 से 12:30 तक राष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में एमएनआईटी का 18वां दीक्षांत समारोह होगा और दोपहर 3:30 राष्ट्रपति जयपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगी। शाम 4 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर एयरपोर्ट से इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगी। तो एमएनआईटी का 18वां दीक्षांत समारोह है और ऐसे में राष्ट्रपति आज क्योंकि राजधानी पहुंचने वाली हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उनका स्वागत होगा। अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज राष्ट्रपति भी पहुंचने वाली हैं और मुख्यमंत्री के भी लंबे कार्यक्रम तब तक रहने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल, उनका आज एमएनआईटी का दीक्षांत समारोह है जी। उसमें करीब 1361 को डिग्री दी जाएगी। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आना हो रहा है और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे और चूंकि एमएनआईटी का एक बड़ा महत्व है, एक नाम है पूरी दुनिया भर में और ऐसे में राष्ट्रपति का आना अपने आप में गौरव की बात है। करीब 11:30 उनका पहुंचने का कार्यक्रम है एमएनआईटी में, उससे पहले उनका स्वागत एयरपोर्ट पे किया जाएगा। मनीषा, ये 18वें दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति महोदय शिरकत करने जा रही हैं। इसके साथ ही ये करीब 402 जो डिग्रियां हैं वो छात्राओं को दी जाएंगी और इसके साथ ही और भी कई कार्यक्रम उनके रहेंगे। करीब 7900 विद्यार्थियों को पीएचडी के पास इस दौरान दी जाएगी और इस दौरान वो एमएनआईटी का निरीक्षण भी करेंगी। उससे पहले जैसा ही मैंने मनीषा कहा कि मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे, राज्यपाल महोदय उस समय मौजूद रहेंगे और पूरे जो एमएनआईटी का जो स्टाफ है वो मौजूद रहेगा जी। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो एमएनआईटी का 18वां दीक्षांत समारोह है और ऐसे में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच रही हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में समारोह होगा।